नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, सीधे ये देख लेते हैं निफ्टी कल मंडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद जब भी कोई 5 मिनट की कैंडल की जो क्लोजिंग है, जब तक 1550 के ऊपर किनारे, तब तक आप कोई बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। उस केस में आपका फर्स्ट टारगेट जो है हो जाएगा 15925। तो 15925 के पास निफ्टी जो है रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि निफ्टी का ये मजबूत रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर कोई 5 मिनट की कैंडल जो है निगेटिव कैंडल बने, तो आप उसी कैंडल के लो पे शॉर्ट का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। उस केस में निफ्टी जो है आज की डे क्लोजिंग तक आ सकती है, यानी कि 15775 के पास आप अपनी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अगर आपने शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट किया है। दोस्तों, अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद जब तक कोई 5 मिनट की कैंडल जो है 15700 के नीचे की नहीं होती है, तब तक आप शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आपने 15700 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट किया, तो उस केस में फर्स्ट टारगेट जो है हो जाएगा 15640, सेकेंड टारगेट जो है हो जाएगा 15600, और थर्ड टारगेट जो है वो हो जाएगा 15520। दोस्तों, अगर कल निफ्टी जो है गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप कहाँ पे ओपन होता है ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये 15860 के ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो कोई 5 मिनट की कैंडल अगर बुलिश कैंडल बने, तो आप उसी कैंडल के हाई पे बाय का ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में आपका टारगेट जो है 15930 तक हो सकता है। लेकिन अगर 15860 के पास कोई भी 5 मिनट की कैंडल जो है निगेटिव कैंडल बने और उसकी क्लोजिंग जो है 15840 के नीचे हो, तो आप शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उस केस में फर्स्ट टारगेट जो है हो जाएगा 15780, सेकंड टारगेट जो है हो जाएगा 15700। दोस्तों, अगर कल निफ्टी जो है वो गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कहाँ पे ओपन होता है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये गैप डाउन जो है 15520 के पास होता है, तो आप कोई शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। यहाँ पे बुलिश कैंडल के बनने का इंतजार कीजिएगा। और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जिसकी क्लोजिंग जो है वो 15560 के ऊपर की होती है, तो आप बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उस केस में फर्स्ट टारगेट जो है हो जाएगा 15640, सेकंड टारगेट जो है हो जाएगा 15720, थर्ड टारगेट जो है हो जाएगा 15780। दोस्तों, अगर कल निफ्टी जो है वो 15520 के पास गैप डाउन ओपन होता है, तो जैसा कि मैंने अभी बात की, इमीडिएट शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। लेकिन अगर हाफ एन आवर ट्रेड करने के बाद ये 15520 के नीचे कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो आप शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उस केस में निफ्टी काफी तेजी से नीचे की ओर जाएगी, और उस केस में आपका टारगेट जो है 15360 तक हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, ये देख लेते हैं बैंक निफ्टी कल किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। दोस्तों, अगर कल बैंक निफ्टी जो है फ्लैट ओपन हो, तो फ्लैट ओपन होने के बाद जब तक कोई 5 मिनट की कैंडल की जो क्लोजिंग है 3700 के ऊपर की नहीं होती है, तो आप कोई बाय का ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। तो 3700 के ऊपर जैसे ही आपने बाय किया, तो उसके आपका टारगेट जो है हो जाएगा 3800, सेकंड टारगेट जो है तो हो जाएगा 3920। दोस्तों, अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, तो फ्लैट ओपन होने के बाद आप शॉर्ट का ट्रेड तभी लीजिएगा जब कोई 5 मिनट की कैंडल की जो क्लोजिंग है 3480 के नीचे क्लोज होती है, तो आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में फर्स्ट टारगेट जो है हो जाएगा 33360, सेकंड टारगेट जो है हो जाएगा 33240, और थर्ड टारगेट जो है वो जाएगा 33120। दोस्तों, बैंक निफ्टी अगर कल गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप कहाँ पे ओपन होता है ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये 33800 के ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो कोई 5 मिनट की कैंडल अगर बुलिश कैंडल बने, तो उसी कैंडल के हाई पे बाय का ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में आपका टारगेट जो है 34000 तक हो सकता है। लेकिन 33800 के पास गैप अप ओपन हो और कोई 5 मिनट की कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 33760 के नीचे की होती है, तो आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में आपको फर्स्ट टारगेट जो है हो जाएगा 33640, सेकंड टारगेट जो है हो जाएगा 33480, थर्ड टारगेट जो है हो जाएगा 33320। दोस्तों, अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन कहाँ पे ओपन होता है ये आप ध्यान दीजिएगा। आज की क्लोजिंग जो है बैंक निफ्टी ने 33600 पे दी है, और इसने कल का जो लो लगाया था 33120, तो इस रेंज में कहीं भी गैप डाउन ओपन हो, तो आप इमीडिएट शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा और प्राइस एक्शन के बनने का इंतजार कीजिएगा। और कोई 5 मिनट की कैंडल अगर निगेटिव कैंडल बने, तो आप शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उस केस में आपका टारगेट जो है 33120 तक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर कल बैंक निफ्टी काफी बड़ी गिरावट के साथ ओपन होती है और ये 33120 के पास गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। यहाँ पे प्राइस एक्शन के बनने का इंतजार कीजिएगा। और कोई भी 50 मिनट का कैंडल अगर बुलिश कैंडल बने, तो आप उसी कैंडल के हाई के ऊपर बाय का ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में आपका टारगेट जो है आज की डे क्लोजिंग 33600 तक हो सकती है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।